नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आपको पैलिमोन के बारे में बताऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अपेंडिजेस, बॉडी वॉल और लोकोमोशन के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। पैलिमोन या मैक्रोब्रैकियम ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसका कैरेक्टर है कि इसमें अपेंडेजेस जो होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं या जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। देन सब फाइलम मैंडिबुलेटा। सब फाइलम मैंडिबुलेटा यानी कि इनमें मैंडिबल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देन क्लास इसकी है क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटन का बना हुआ होता है, बहुत सख्त होता है और लाइमी या कैलकेरियस होता है। देन सब क्लासेस मेलाकोस्ट्रेका। जो सब क्लास मेलाकोस्ट्रेका होता है इसमें जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं और 19 सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी में। हेड और थोरेसिक सेगमेंट मिल करके बनाते हैं सिफेलोथॉरिक्स, और सिफेलोथॉरिक्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं कैरापेस, और इसमें जो कंपाउंड आइज होती हैं वो एक स्टॉक के ऊपर होती हैं, और एब्डोमेन इनका एक टेल्सन में एंड करता है या एब्डोमेन के अंत में एक टेल्सन होता है। इसका ऑर्डर है डेकापोडा। डेकापोडा में जो कैरापेस होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है और पहले तीन पेयर थोरेसिक लिम्स के मैक्सिलिपीड्स बनाते हैं और गिल्स अधिकतर तीन सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। जीनस है इसका पैलिमोन या मैक्रोब्रैकियम, और स्पीशीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेलकम सोनाई। अगर हम हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करें तो जो पैलिमोन होता है ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स और पॉन्ड्स यानी झोड़ और तालाबों में पाया जाता है। नॉक्टर्नल हैबिटेट यानी कि रात्रिचर प्राणी होता है, रात में अपने शिकार पर निकलता है, और ये जो है इनहेबिट करता है या रहता है स्लो मूविंग क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी में रहता है जो धीरे धीरे बह रहा हो या मूवमेंट कर रहा हो। ओमनीवोरस डाइट होती है, दैट मीन्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों प्रकार से फीडिंग होती है इसमें, और इसका जो मुख्य भोजन है उसमें आते हैं एल्गी, मॉस, बाकी जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं वो आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स या कुछ कूड़ा करकट या डेब्रीज। ये अपने स्ट्रीम या अपने लेक के बॉटम में अपने वॉकिंग लेग्स की सहायता से धीरे धीरे चल सकता है, या फिर पानी के सरफेस या सतह पर ये अपने प्लियोपॉड्स या स्विमरेट्स की सहायता से ये तैर सकता है। बॉडी इसकी स्पिंडल शेप्ड होती है और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है यानी अगर इसको बीच से एक सीधी रेखा में काटा जाए तो दो मिरर इमेजेस आपको प्राप्त होती हैं। इसका जो साइज है पैलिमोन का वो वेरी करता है स्पीशीज के अनुसार, जैसे कि पैलिमोन लैमेराय ये पूरे इंडिया में पाया जाता है, ये इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर या लगभग 1 इंच के बराबर होती है, जबकि पैलिमोन कार्सिनस जो कि केरला में पाया जाता है इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। जो इसके छोटे या यंग स्पेसिमेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्के पीले या सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, जबकि जो एज में बड़े स्पेसिमेंस हैं, ओल्डर स्पेसिमेंस जो होते हैं अधिकतर हल्के नीले रंग के होते हैं या उन पे हरे रंग की या ऑरेंज और रेड लाल रंग के इसमें पैचेस या बैंड्स हो सकते हैं अलग अलग पैटर्न में। इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में। सिफेलोथोरिक्स जो होती है ये सिलिंड्रिकल होती है शेप में और अनजॉइंटेड होती है सिफेलोथोरिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिफेलोथोरिक्स अनजॉइंटेड है और इसमें जो है 5 सिफेलिक या सर के और 8 थोरेसिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं सिफेलोथोरिक्स में, और इनके बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो एब्डोमन है वो डॉर्सल साइड से राउंडेड होती है, कॉन्वेक्स होती है, लेकिन लेटरल साइड से ये थोड़ी कंप्रेस्ड होती है और जॉइंटेड होती है कि ये। और एब्डोमेन में 6 मूवेबल सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में, और जो इसमें टर्मिनल कोनिकल पीस होता है टेल्सन, इसको एब्डोमेन का पार्ट इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जो 6 सेगमेंट है ये उसके बाद में अराइज करता है।
एब्डोमेन के प्रत्येक सेगमेंट में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और जो पहले पांच होते हैं उनको कहते हैं प्लियोपॉड्स या स्विमरेट्स, और लास्ट या सिक्स सेगमेंट पे जो टेल्सन के बराबर में पेयर अपेंडेज होता है जिसको कहते हैं यूरोपॉड। जो इसकी एक्सोस्केलेटन होती है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी और इसके जितने भी अपेंडेजेस होते हैं वो एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होती है और क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल में काइटिन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन के ऊपर से सॉल्ट डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कैल्केरियस सॉल्ट्स होते हैं, वो भी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिनके अलग डेपोजिशन पैटर्न की वजह से जो पैलिमोन है उसमें अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से। और जो हार्ड पीसेस होते हैं एक्सोस्केलेटन के उनको कहा जाता है स्क्लेराइट्स, और स्क्लेराइट्स आपस में एक सॉफ्ट क्यूटिकल की बनी हुई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जॉइंट रहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है जो कि एक सॉफ्ट क्यूटिकल की बनी हुई होती है। हेड और थोरैक्स ये एक कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको कहते हैं कैरापेस, जिसमें जो हेड के ऊपर की कवरिंग होती है उसको कहा जाता है डॉर्सल प्लेट, और थोरैक्स के ऊपर है कैरापेस। जो डॉर्सल प्लेट होती है और ये कैरापेस के साथ पूरी तरीके से फ्यूज होती है, डिफ्रेंशिएट करना संभव नहीं होता है कि डॉर्सल प्लेट कहाँ खत्म हो रहा है और कैरापेस कहाँ स्टार्ट हो रहा है। डॉर्सल प्लेट आगे की तरफ एक्सटेंडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ डॉर्सल शील्ड, और ये डॉर्सल शील्ड जो है आगे की तरफ एक्सटेंडेड है इन द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल रोस्ट्रम। जो रोस्ट्रम होता है ये लेटरली कंप्रेस्ड होता है, सीरेटेड मार्जिन होती हैं, यानी आरी की तरीके से इसकी जो मार्जिन होती हैं वो धारदार मार्जिन होती हैं, और ये जो है रोस्ट्रम जो है ये इनका ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है, सहायता करता है उसको। रोस्ट्रम के बेस में दोनों तरफ एक ऑर्बिटल नॉच या गड्ढा रहता है जहां से आइस्टॉक इसकी बाहर आती है। डॉर्सल प्लेट में दो छोटे स्पाइंस होते हैं जो कि ऑर्बिटल नॉच के ठीक पीछे होते हैं, ट्रायंगुलर या कोनिकल स्पाइंस होते हैं, जिसमें जो आगे वाला स्पाइन है वो है एंटीनल स्पाइन, और एंटीनल स्पाइन के ठीक पीछे लेटरल साइड पे है हेपेटिक स्पाइन। कैरापेस लेटरल साइड में नीचे की तरफ हैंग करती है और थोरैक्स की साइड्स को कवर करती है, और इस यहाँ पर इसको लेटरल साइड में कहते हैं ब्रैंकियोस्टिजीज या गिल कवर, जो कि गिल चैम्बर्स को बाहर से कवर करती है। वेंट्रल साइड पे हेड और थोरैक्स के काइटिनस क्लीराइड्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टर्ना। एब्डोमेन से ये जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ अ कैल्सिफाइड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एब्डोमेन में प्रत्येक सेगमेंट में एक डॉर्सल टर्गम या टर्गाइट होता है। ये डॉर्सल साइड पे टर्गम या सिंगुलर इसका टर्गाइट है, और नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, इसको स्टर्नाइट भी कहा जाता है, और लेटरल साइड पे प्ल्यूरॉन होता है। प्ल्यूरॉन अपनी साइड के अपेंडेज से जुड़ा हुआ होता है पतली सी एपिमेरॉन के द्वारा, जो कि प्ल्यूरॉन का ही एक पार्ट है। किन्हीं दो सेगमेंट्स के बीच में जो दो टर्गा हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर टर्गल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, और इसी प्रकार से जो स्टर्नम है दो सेगमेंट्स के बीच में वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटर स्टर्नल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। एब्डोमेन में प्रत्येक सेगमेंट आपस में जुड़ा हुआ होता है लेटरल साइड पर प्रेजेंट हिंज जॉइंट्स के द्वारा। हिंज जॉइंट्स जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जो कि मूवमेंट परमिट करते हैं केवल वर्टिकल प्लेन में, लेकिन साइड्स में उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये एक लेटरल व्यू है एक्सोस्केलेटल रिंग का। डॉर्सल साइड पे एक बड़ा टर्गम प्रेजेंट होता है जबकि वेंट्रल साइड पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, स्टर्नल रिंग है। लेटरल साइड पे प्ल्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड देन द प्लियोपॉड्स आर शोन हेयर।
अगर पेलीमोन के अपर्चर्स या ओपनिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहला अपर्चर जो इसमें होता है वो होता है माउथ। माउथ जो होता है मिड वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड पर बीच में प्रेजेंट होता है और एक खांच की तरीके से प्रेजेंट होता है और सिफेलोथोरिक्स के एंटीरियर एंड पर होता है। जो लास्ट अपर्चर होता है इसमें वो होता है एनस। एनस एक लॉन्जिट्यूडनल स्लिट लाइक अपर्चर होता है, लंबा होता है और ये वेंट्रल साइड पर होता है एट द बेस ऑफ टेल्सन, यानी कि एब्डोमेन के बिल्कुल अंत में टेल्सन के बेस में एनस प्रेजेंट होता है। देन रीनल अपर्चर्स, रीनल अपर्चर्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और हर एक साइड पे होते हैं, दोनों साइड्स पर होते हैं। एंटीनी का जो कॉक्सा होता है, एंटीनी इसमें सेकेंड अपेंडेज होता है, तो उसके कॉक्सा में एक रेज्ड पैपिला में इसकी ओपनिंग रहती है रीनल अपर्चर की। देन ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट जो होता है ये भी पेयर्ड होते हैं और ये एंटीन्यूल जो कि इसमें फर्स्ट अपेंडेज है उसमें के प्री कॉक्सा में एक डिप्रेशन होता है डॉर्सल साइड पे, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। देन फीमेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है वो फीमेल्स में थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग में प्रेजेंट होता है और थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के कॉक्सा के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है जहाँ पर वो जुड़ता है एब्डोमेन थोरेक्स से। देन द मेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर मेल्स में प्रेजेंट होता है फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग की कॉक्सा की इनर सरफेस पर। कमिंग टू द अपेंडेजेस, जैसे कि प्रॉन में 19 सेगमेंट्स होते हैं टोटल, जिसमें कि 5 सिफेलिक सेगमेंट्स हैं, 8 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। उसी के सापेक्ष इसमें 19 पेयर अपेंडेजेस के होते हैं। जो पहला पेयर है दैट इज एंटीन्यूल, देन एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलुला और मैक्सिला, ये 5ों सिफेलिक अपेंडेजेस हैं। इसके बाद 3 पेयर मैक्सिलिपीड्स के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स के होते हैं जिसमें कि पहला और दूसरा पेयर वॉकिंग लेग का उनको चीलेट लेग्स बोलते हैं, जबकि लास्ट के जो 3 होते हैं अंतिम 3, तीसरा चौथा और पांचवा पेयर वॉकिंग लेग्स का उनको नॉन चीलेट लेग्स बोलते हैं। 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, उसी के सापेक्ष इसमें 5 जो पहले 5 हैं वो प्लियोपॉड्स या उनको स्विमरेट्स भी बोलते हैं और जो छठा है उसको बोलते हैं यूरोपॉड। जो अपेंडेजेस होते हैं प्रॉन में ये वेंट्रोलेटरल मार्जिन से अराइज होते हैं और प्रत्येक अपेंडेज जो होता है इसमें बायोरेमस होता है, यानी कि उसमें 2 ब्रांचेस होती हैं। केवल जो पहला पेयर है दैट मीन्स एंटीन्यूल वो यूनिरेमस होता है, उसमें ब्रांच नहीं होती है। प्रत्येक अपेंडेज में एक बेसल स्टॉक या प्रोटोपोडाइट होता है जिसमें 2 जॉइंट्स हैं या 2 पोडोमियर हैं। इसमें लोअर जो पोडोमियर है वो है कॉक्सा, कॉक्सा के ऊपर होता है बेसिस या बेसोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट से फिर 2 रेमाई निकलते हैं जिसमें जो अंदर वाला है या इनर है उसको एंडोपोडाइट बोलते हैं और जो बाहर वाला है उसको, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको एक्सोपोडाइट बोलते हैं। और एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों में ही एक से अधिक पोडोमियर हो सकते हैं। प्रत्येक पोडोमियर में 2 प्रोट्रैक्टर और 2 रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उसके इनर क्यूटिकल के इनर सरफेस से अटैच्ड होती हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है अपेंडेजेस का ये इन्हीं मसल्स की सहायता से होता है और मसल्स और क्यूटिकल दोनों मिलकर के एक लीवर सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। अधिकतर इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो किन्हीं 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो स्टीनोपोडियम होगा या फाइलोपोडियम होगा। स्टीनोपोडियम का मतलब है स्लेंडर लिम, मतलब कि बहुत ही पतला पैर या लिम। इसमें एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जो होते हैं वो एक कॉमन स्टॉक या प्रोटोपोडाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी प्रकार के जो अपेंडेजेस होते हैं वो होते हैं फाइलोपोडियम। फाइलो का मतलब होता है पत्ती या लीफ, तो ये पत्ती की के जैसे ही ब्रॉड या चौड़े होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। इनमें क्यूटिकल जो होता है स्टीनोपोडियम के मुकाबले थोड़ा और पतला होता है और एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट इसमें एक फॉर्क की आकृति नहीं बनाते हैं।
नाउ द सिफेलिक अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस में जो पहला है वो है एंटीन्यूल। एंटीन्यूल और एंटीनी जो पहले दो अपेंडेजेस हैं वो प्री ओरल हैं, यानी कि मुख से पहले आते हैं, माउथ से पहले आते हैं, जबकि मैंडिबल, मैक्सिलुला और मैक्सिला ये पोस्ट ओरल हैं, यानी कि मुख के बाद आते हैं। एंटीन्यूल्स जो होते हैं वो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट होता है और आई स्टॉक्स के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, ये यूनिरैमस हैं, यानी कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इसमें जो प्रीकॉक्सा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और प्रीकॉक्सा के बेस में स्टाइलोसेराइट नाम का एक स्पाइन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर सीटी प्रेजेंट होती है। प्रीकॉक्सा की डॉर्सल साइड पे एक ओपनिंग होती है स्टैटोसिस्ट की, जो कि एक इंटेग्यूमेंट के फोल्ड से कवर्ड रहती है। स्टैटोसिस्ट इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। प्रीकॉक्सा में कॉक्सा के जस्ट पास में एक स्पाइन होता है जो जिसके ऊपर सीटी प्रेजेंट होते हैं। कॉक्सा इसका छोटा होता है और सिलिंड्रिकल होता है, जबकि बेसिस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है कॉक्सा से। बेसिस से एक पेयर जॉइंटेड फीलर्स का अराइज करता है, लेकिन ये होमोलोगस नहीं होता। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जो इसके टिपिकल सेगमेंट्स हैं उसके साथ होमोलोगस नहीं होता है। जो इसका इनर फीलर है वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे पोडोमियर्स में, और जो आउटर फीलर है वो बाइफरकेटेड होता है दो ब्रांचेस में, और इसमें भी बहुत सारे जॉइंट्स या पोडोमियर्स होते हैं। एंटीन्यूल जो होता है टैक्टाइल होता है, यानी कि टच रिसेप्टर है, और इसमें स्टैटोसिस्ट का कार्य जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। स्टैटोसिस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और एंटीन्यूल बाकी मैंडिबुलेट क्लासेस के एंटीन्यूल के साथ होमोलोगस होता है। जो अगला सेगमेंट इसका अपेंडेज है दैट इज एंटीना। एंटीनी दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और एंटीन्यूल्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो प्रोटोपोडाइट होता है दैट मींस कॉक्सा एंड बेसिस, प्रोटोपोडाइट जो होता है वो काफ़ी स्वोलन होता है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है और ये कॉक्सा के आउटर मार्जिन से में एक रीनल अपर्चर होता है जिसकी सहायता से ये बाहर की तरफ खुलता है, सॉरी इनर मार्ज कॉक्सा की इनर मार्जिन में खुलता है। एक्सोपोडाइट जो होता है इसमें ब्रॉड होता है, लीफ लाइक होता है, और एंडोपोडाइट में बहुत ये लंबा होता है, पतला होता है, और इसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं या पोडोमियर्स होते हैं, ये इस फीलर के रूप में होता है। जो एक्सोपोडाइट का स्क्वैमा है इसमें इनर और डिस्टल मार्जिन पे इसमें सीटी प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो प्रोबेबल फंक्शन है वो बैलेंसिंग का है ड्यूरिंग स्विमिंग, क्योंकि ये बड़ा है, फैन के आकार का है। इसके अलावा एंटीनी जो है क्योंकि इसमें एक फीलर प्रेजेंट होता है, एंडोपोडाइट फीलर के रूप में है, तो ये टेक्टाइल है, टच रिसेप्टर्स हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन है क्योंकि बेसिस और कॉक्सा में रीनल ऑर्गन प्रेजेंट है, और बैलेंसिंग फंक्शन है इसका एक्सोपोडाइट के कारण। द थर्ड अपेंडेज इज मैंडिबल। मैंडिबल जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन स्टाउट अपेंडेज होते हैं, माउथ के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल का जो अधिकतर हिस्सा होता है वो कॉक्सा होता है, और कॉक्सा जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो प्रॉक्सिमल या पास वाला हिस्सा है दैट इज एपोफाइसिस, और डिस्टल एंड है हेड। हेड में दो पार्ट्स होते हैं, एक मोलार प्रोसेस होता है जो कि जिसमें 5 से 6 डेंटल प्लेट्स होती हैं मोलार प्रोसेस में, और एक इंसाइजर प्रोसेस होता है, प्लेट लाइक होता है, और इसमें 3 दांत या टीथ होते हैं। हेड की आउटर मार्जिन पर एक 3 जॉइंटेड मैंडिबुलर पाल्प होता है। मैंडिबुलर पाल्प या एंडोपोडाइट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो होता है बेसिस। बेसिस होता है प्रोटोपोडाइट का, जबकि जो दो डिस्टल सेगमेंट्स हैं वो एंडोपोडाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। मैंडिबल्स का जो काम होता है वो भोजन को काटना और चबाने का होता है। नेक्स्ट इज मैक्सिल्यूला।
मैग्जिलोला जो होते हैं वो काफी छोटे और पतले होते हैं, ये लीफ लाइक अपेंडेज या फाइलोपोडियम है। कॉक्सा और बेसिस जो होते हैं काफी ब्रॉड होते हैं और अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडाइट्स या नेथोबेसिस। नेथो इसका मतलब होता है जॉ, और इनमें बहुत सारे ब्रिसल्स या सीटी प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। एंडोपोडाइट जो होता है उसका डिस्टल पार्ट जो है वो फॉर्क्ड होता है और बाइफरकेटेड होता है आगे से, और इसमें एक छोटे हुक की आकृति होती है। मैग्जिलिले जो होते हैं ये फूड को पास करते हैं टूवर्ड्स द माउथ। द लास्ट अपेंडेज सिफेलिक अपेंडेज इज मैग्जिला। मैग्जिला भी पतले और लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं। इनमें कॉक्सा जो होता है बहुत छोटा होता है और इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है एक सूचर की सहायता से दो सेगमेंट्स में, जबकि बेसिस जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और इसमें एक पेयर एंडाइट्स या नेथोबेसिस का होता है। एंडोपोडाइट काफ़ी छोटा रहता है। एक्सोपोडाइट इसमें काफ़ी बड़ा है और वो एक बेलर या फैन के आकार का होता है। इसको स्कैफोगनेथाइड भी बोलते हैं। स्कैफोगनेथाइड जो होता है ये एक्सटेंड करता है गिल चैम्बर में और कॉन्स्टेंटली हिलता रहता है, जिसकी वजह से एक वाटर करंट पास होता रहता है गिल्स के ऊपर से। तो मैग्जिला के दो फंक्शन होते हैं, एक फीडिंग और एक रेस्पिरेटरी फंक्शन इसका होता है। नाउ द थोरेसिक अपेंडेजेस में जो पहले तीन होते हैं वो होते हैं मैग्जिली पीज। मैग्जिली मीन्स जॉ एंड पोडोस इज फुट, दैट मीन्स दीज आर द फुट जॉज। जो फर्स्ट पेयर होता है मैग्जिली पीज या फुट जॉज का वो काफ़ी पतले होते हैं और फाइलोपोडियम होते हैं। कॉक्सा और बेसिस जो होते हैं इसमें फ्लैट लीफ लाइक नेथोबेसिस बनाते हैं ये, और इनके इनर बॉर्डर पे सीटी प्रेजेंट होते हैं। कॉक्सा का जो आउटर मार्जिन है वहाँ पर बाइलोब्ड एपिपोडाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एपिपोडाइट्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। एंडोपोडाइट जो बेसिस की आउटर मार्जिन है वहाँ से एक छोटा सा एंडोपोडाइट निकलता है जो कि अनसेगमेंटेड होता है। एक्सोपोडाइट थोड़ा लंबा होता है और उस पर एक प्लेट लाइक एक्सपेंशन होता है इसमें एक्सोपोडाइट में, और मार्जिन एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट की दोनों में सीटी प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट मैग्जिलिपीड्स होते हैं इनका कार्य होता है कि भोजन को ये पकड़ के रखते हैं, और साथ ही साथ सीटी के कारण ये टेक्टाइल भी हैं, और एपिपोडाइट्स की प्रेजेंस की वजह से इनका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। सेकेंड मैग्जिलिपीड, जो सेकेंड मैग्जिलिपीड होता है इसमें कॉक्सा काफ़ी छोटा होता है और इसमें एक एपिपोडाइट और एक गिल होता है आउटर बॉर्डर में। जो एक्सोपोडाइट है वो इसमें काफ़ी लंबा और पतला होता है लेकिन अनसेगमेंटेड होता है, और जो एंडोपोडाइट है वो बेसिस से अराइज करता है, और इसमें जो पोडोमियर्स होते हैं वो होते हैं क्रमशः इस्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। प्रोपोडस और डेक्टाइलस जो होते हैं वो बाकी इस्टियम, मेरस और कार्पस के पैरेलल होते हैं। एंड प्रोपोडस और डेक्टाइलस जो होते हैं ये कटिंग प्लेट बनाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड मैग्जिलिपीड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो टेक्टाइल इन फंक्शन, भोजन को अपने स्थान पर पकड़ते हैं, और गिल्स और एपिपोडाइट के कारण इनके रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। थर्ड मैग्जिलिपीड्स जो होते हैं वो लेग लाइक होते हैं अपियरेंस में, एक टिपिकल आर्थ्रोपॉड लेग की तरह से होते हैं। इनमें जो कॉक्सा होता है उसमें एक छोटा सा एपिपोडाइट प्रेजेंट होता है आउटर साइड पे। बेसिस काफ़ी छोटा है और वो सपोर्ट करता है अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट को, और एंडोपोडाइट में तीन पोडोमियर्स होते हैं क्योंकि इसमें इस्टियम और मेरस फ्यूज्ड है, उसके बाद कार्पस, लास्ट जो इसमें पोडोमियर है उसमें प्रोपोडस और डेक्टाइलस भी आपस में फ्यूज्ड हैं। एक्सोपोडाइट में काफ़ी सीटी होते हैं पूरी इसकी लेंथ में। थर्ड मैग्जिलिपीड जो होते हैं सीटी की प्रेजेंस की वजह से टेक्टाइल हैं, भोजन को पकड़ के रखते हैं, और साथ ही साथ एपिपोडाइट की प्रेजेंस की वजह से ये रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। कमिंग टू द थोरेसिक अपेंडेजेस वॉकिंग लेग्स, अगले पांच जो सेगमेंट होते हैं थोरेसिक सेगमेंट्स उनमें
एक एक पेयर वॉकिंग लेग्स का होता है, पांच पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स के, और ये मैक्सिलिपीड से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें एक्सोपोडाइट और एपिपोडाइट्स एब्सेंट होते हैं। जो टिपिकल वॉकिंग लेग होता है, जैसे कि फोर्थ वॉकिंग लेग है, इसमें टू जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट होता है, प्रोटोपोडाइट में कॉक्सा और बेसिस होते हैं, और फाइव जॉइंटेड एंडोपोडाइट होता है। प्रोटोपोडाइट में रिंग लाइक कॉक्सा होता है, और बेसिस जो होता है वो इसमें बेसिस जो है वो ट्रायंगुलर होता है, और कॉक्सा रिंग लाइक होता है। बेसिस के ऊपर फिर एंडोपोडाइट होता है, जिसमें सेगमेंट्स होते हैं इस्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। सातों के सातों पोडोमियर्स जो होते हैं इसमें एक लीनियर फैशन में या लीनियर सीरीज में अरेंज्ड होते हैं, और ये मूवेबली अटैच्ड हैं एक दूसरे से हिंज जॉइंट्स की मदद से। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होते हैं वो टिपिकल नॉन चीलेट वॉकिंग लेग्स होते हैं। चीलेट लेग्स जो होते हैं, जो पहला और दूसरा पेयर होता है वॉकिंग लेग्स का, इनमें जो प्रोपोडस होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होता है डिस्टल साइड पे, और ये डेक्टाइलस के बराबर आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोपोडस और डेक्टाइलस दोनों मिलकर के एक चीला या एक फॉर्सेप की जैसी आकृति बना लेते हैं, या इसको पिंसर भी कहते हैं, जिस और ये एक शार्प टर्मिनल क्लॉ की तरह तरीके से पंजे की तरह काम करता है। वो लेग्स जिसमें कि चीला प्रेजेंट होता है, जिसमें मतलब प्रोपोडस एक्सटेंडेड होता है डेक्टाइलस के सिरे तक, उनको चीलेट लेग्स बोलते हैं, या चीलीपीड्स भी बोला जाता है। ये अपना प्रे पकड़ने के काम में आते हैं, और इनकी सहायता से ये अपने भोजन को अपने मुख तक भी ट्रांसफर करते हैं। साथ ही साथ जो चीलेट लेग्स हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। जो सेकेंड चीलेट लेग होता है मेल में, वो फीमेल की अपेक्षा काफी बड़ा होता है और काफी पावरफुल होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो एनिमल है वो मेल है या फीमेल। फीमेल्स में जो थर्ड लेग, थर्ड वॉकिंग लेग होता है, उसके कॉक्सा में की इनर साइड पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है, जबकि जो मेल प्रॉन होता है उसके फिफ्थ वॉकिंग लेग के कॉक्सा के इनर साइड पे मेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन के पास। नाउ द एब्डोमिनल अपेंडेजेस, टोटल 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस के होते हैं, जिनको प्लियोपॉड्स या स्विमरेट्स भी बोला जाता है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं सिंपल होते हैं, टिपिकली बायरेमस होते हैं। जो थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज होता है उसको आप एक टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज के रूप में देख सकते हैं। तो जो थर्ड या टिपिकल प्लियोपॉड होता है, उसमें जो प्रोटोपोडाइट होता है उसमें केवल 2 पोडोमियर्स होते हैं, कॉक्सा, और ये कॉक्सा जो होता है प्रॉक्सिमल है, रिंग लाइक होता है, और बेसिस डिस्टल होता है बेसिस, और ये थोड़ा लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। बेसिस के ऊपर फ्लैटेंड पत्ती के आकार के एक्सोपोडाइट जो कि और एंडोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं। एंडोपोडाइट थोड़ा छोटा होता है और एक्सोपोडाइट काफी बड़ा होता है, ये एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। जो एंडोपोडाइट होता है उसकी इनर मार्जिन के पास ही एक काफी छोटा पतला सा एक कर्व्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स इंटरना। ये अपेंडिक्स इंटरना है, जिसमें जिसका जो हेड होता है वो एक नॉब की तरीके से होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, और इसमें बहुत सारे हुक लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, उनके जो अपेंडिक्स इंटरना है वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और एक बास्केट बना लेते हैं, और ये सर्व करता है ब्रीडिंग सीजन में एग्स को होल्ड करने में सहायक होता है। तो फीमेल जो है वो अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को अपनी इस बास्केट में, जो कि अपेंडिक्स इंटरना के लॉक होने से, आपस में इंटरलॉक होने से बनती है, उसमें कैरी करके घूमती है। जो बाकी के एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं वो टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज के जैसे ही दिखते हैं, बस उनमें थोड़ी बहुत कुछ असमानताएं होती हैं। जैसे कि जो फर्स्ट प्लियोपॉड होता है,
इसमें जो एंडोपोडाइट है वो काफी छोटा होता है और साथ ही साथ इसमें अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट नहीं होता है। जो मेल में सेकेंड प्लियोपॉड होता है, इसमें जो एंडोपोडाइट है वो एक्सोपोडाइट के समान ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसमें अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो काफी स्लेंडर होता है, और इसमें बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज यूरोपॉड। ये सिक्स या लास्ट पेयर एब्डोमिनल अपेंडिजेस का है। ये काफी बड़े होते हैं, काफी चौड़े भी होते हैं, फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और टेल्सन के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनको यूरोपॉड या टेल फीट कहा जाता है। यूरोपॉड में जो बेसिस और कॉक्सा है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के बनाते हैं सिम्पॉड। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों ही ओवल और ओर शेप्ड के होते हैं। एक्सोपोडाइट थोड़ा ब्रॉड होता है और बड़ा होता है और दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ द सूचर। एक्सोपोडाइट का जो डिस्टल पार्ट है उसमें सीटी प्रेजेंट होते हैं। एंडोपोडाइट थोड़ा सा छोटा होता है एक्सोपोडाइट के मुकाबले और अनडिवाइडेड होता है, और दोनों एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट की जो मार्जिन होती हैं उन पे सीटी प्रेजेंट होते हैं, केवल एक्सोपोडाइट की जो आउटर मार्जिन है वहां पर सीटी प्रेजेंट नहीं होती है। दो यूरोपॉड्स, दोनों यूरोपॉड्स और टेल्सन मिलकर के एक पंखे के आकार का टेल फिन बनाते हैं और इसकी सहायता से ये एक रैपिड बैकवर्ड फ्लिप करते हैं जब प्रॉन तैर रहा होता है। नाउ द बॉडी वॉल। जो प्रॉन की बॉडी वॉल होती है उसमें आउटर थिक लेयर होता है क्यूटिकल का, उसके बाद फॉलोड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड इनर साइड पे डर्मिस प्रेजेंट होता है। जो इसमें क्यूटिकल है वो काफी थिक लेयर होता है और क्यूटिकल डिवाइडेड होता है एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में। एपिक्यूटिकल कंपैरेटिवली थोड़ा पतला लेयर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बाहर की तरफ लाइपोइड लेयर होता है जो कि लिपिड लेयर है, और अंदर की तरफ इसमें प्रोटीन लेयर है जिसमें कि काइटिन होता है। लाइपोइड लेयर में काइटिन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि जो एंडोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पिगमेंटेड लेयर जिसमें सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, दूसरा है कैल्सिफाइड लेयर, और सबसे अंदर अनकैल्सिफाइड लेयर। एपिक्यूटिकल का जो लाइपोइड लेयर है दैट इज एपिक्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय द टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, और एंडोक्यूटिकल जो कि काइटिनस है ये एपिडर्मिस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एपिडर्मिस बना हुआ होता है एक सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनर एपिथीलियम सेल्स में जिसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय डर्मिस। डर्मिस इज ऑल्सो क्वाइट थिक। इसमें प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, और इसी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होते हैं ब्लड लैक्यूना और टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स, और ये टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स जो होते हैं दे सीक्रेट द क्यूटिकल ऑफ बॉडी वॉल। नाउ द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स जो होती हैं प्रॉन में अधिकतर स्ट्राइप्ड या स्केलेटल मसल्स होती हैं और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती हैं। केवल हार्ट और आर्टरीज की जो मसल्स हैं वो सर्कुलर मसल्स होती हैं। मसल्स का जो काम होता है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का होता है, जो कि अपेंडेजेस और एब्डोमेन को एक्सटेंड या फ्लेक्स करते हैं। सात पेयर एक्सटेंसर मसल्स की होती हैं जो कि छह एब्डोमिनल सेगमेंट्स और टेल्सन से निकलती हैं। डॉर्सल साइड पे रन करते हुए ये थोरैक्स की लेटरल वॉल्स में इंसर्ट हो जाती हैं। जब ये एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसकी वजह से बॉडी जो होती है लंबी और स्ट्रेट हो जाती है। पांच पेयर एक्सटेंसर मसल्स की होती हैं पांच पेयर जो होती हैं एब्डोमिनल फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो कि पहले पांच एब्डोमिनल सेगमेंट से निकलते हैं और ये वेंट्रल साइड से निकलते हैं। काफी स्ट्रांग होते हैं और ये स्टर्नम में इंसर्ट होते हैं। एपिडर्मिस, स्टर्नम और
थोरेसिक वॉल में इंसर्ट होते हैं। जब फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी वजह से जो बॉडी होती है वो, या एब्डोमेन जो है वो बेंड हो जाती है। अपेंडेजेस में, अपेंडेजेस जो होते हैं हॉलो ट्यूबुलर पोडोमेयर्स होते हैं इनमें, और दो एडजेसेंट पोडोमेयर्स जो होते हैं वो हिंज जॉइंट के द्वारा, ये कॉक्स और बेसिस के बीच में आप देख सकते हैं कि हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि सॉफ्ट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है जो कि मूवमेंट परमिट करती है। पोडोमेयर्स में भी दो एक्सटेंसर और दो फ्लेक्सर मसल्स जॉइंट होती हैं प्रिसीडिंग, अपने से पहले वाले में और अपने अगले वाले पोडोमेयर में। फ्लेक्सर मसल्स की सहायता से पोडोमेयर्स बेंड होते हैं, जबकि एक्सटेंसर मसल्स की सहायता से वो स्ट्रेट हो जाते हैं। क्रस्टेशिया में मसल्स में 2 से 5 नर्व्स होती हैं, जो कि मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं। इसके अलावा एक इनहिबिटरी नर्व होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती है। एंड लोकोमोशन, प्रॉन में जो लोकोमोशन होता है वो या तो वॉकिंग होती है या स्विमिंग होती है। प्रॉन या पैलीमोन अपने वॉकिंग लेग्स की सहायता से धीरे धीरे जो पॉन्ड या वाटर बॉडी है या रिवर है उसकी बॉटम में धीरे धीरे अपने वॉकिंग लेग्स की सहायता से धीरे धीरे क्रॉल करता है या चलता है, और या फिर यह स्विम करता है बहुत आराम से पानी के सरफेस पर या सतह पर, अपने क्लियोपॉड्स या सिमरेट्स को धीरे धीरे चप्पू की तरह बीट करके ये बहुत आराम से तैरता है। और कभी कभी ये बहुत तेज एक बैकवर्ड फ्लिप लेता है जब इसकी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो यूरोपोड और टेल्सन वेंट्रल मसल्स जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एक पावरफुल स्ट्रोक ये लेता है और एक बैकवर्ड फ्लिप मारता है कभी कभी। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्रॉन एंड लोकोमोशन। इसके लिए दो बुक्स मैंने कंसल्ट की हैं, एक तो है आरएल कोटपाल की मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय रस्तोगी पब्लिकेशन, और दूसरी बुक है बाय जॉर्डन, ईएल जॉर्डन एंड पीएस वर्मा, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय एस चांदन कंपनी। थैंक यू।